हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो प्री डीएलडी की काउंसलिंग है वह जो अभी जारी थी वह हाई कोर्ट ने स्थगित कर दी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी लोग वैसे जानते हैं कि जो प्री डीएलडी की काउंसलिंग थी उसकी लास्ट डेट बढ़कर 8 नवंबर 2020 कर दी गई थी, लेकिन दिनांक 4 नवंबर 2020 को राजस्थान हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर प्री डीएलडी की काउंसलिंग को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मैं आपको जो आदेश है वो आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स, आप यहां देख रहे हो जो राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में दिनांक 4 नवंबर को जारी किया गया है आदेश है। आप यह आदेश इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हो। आदेश में लिखा हुआ है कि प्री डीएलडी जो काउंसलिंग है वह कुछ दिनों के लिए राजस्थान हाई कोर्ट ने स्थगित कर दी है। जब तक राजस्थान हाई कोर्ट आगामी निर्देश नहीं देता तब तक काउंसलिंग बंद है। मतलब काउंसलिंग की प्रक्रिया उसके बाद जब राजस्थान हाई कोर्ट आदेश जारी करेगा उसके बाद ही वापस शुरू होगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी अपडेट थी प्री डीएलडी की काउंसलिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे ही नए नए वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।